नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में बात करते हैं, जनता के बीच में पहुंचे हैं कि आज लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? धर्म सिंह है जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सरकारी डिपार्टमेंट में था, पहले राजस्थान में, पर रिटायर हो गया, 4 साल हो गए। सर डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं आप? डेरा सच्चा सौदा की जो संस्था है, ऐसी संस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जहाँ इतनी लेडीज यहाँ सुरक्षित है और कहीं नहीं है। और नशे छुड़ाए हैं, गुरुजी ने इतने बुरे काम छुड़ाए हैं, इसके मुकाबले दुनिया में कोई है ही नहीं। हम तो ये जानते हैं, भलाई के काम कितने, मतलब मकान बना के देने, विधवा को बेचारे को कितनी सहायता करनी, गर्भवती महिलाओं को कितनी सहायता करनी, और ब्लड दान, मैं खुद 41 बारी ब्लड दान कर चुका हूँ। अभी भी हमारा लिखा हुआ है, अभी जब भी हमारी डेथ होगी, बॉडी दान, आंखें दान, सब स्किन दान, ये ऐसी संस्था कहीं नहीं है भलाई के काम करने वाली, हमने तो दुनिया में नहीं देखी जी। गुरु जी के बारे में क्या जानते हैं? गुरु जी तो बहुत ही ऊंची हस्ती है, गुरु जी के बारे में तो कहना ही क्या। गुरु जी तो बहुत ही, मतलब दुनिया को भलाई के काम ही सिखाए आज तक कोई, मतलब ऐसा नहीं। गुरु जी का नेचर व्यवहार किस तरह का है? नेचर बहुत बढ़िया है जी, गुरु जी का तो सबको, मतलब अच्छाई, आपका चरित्र, सबसे पहले चरित्र के बारे में सिखाते हैं, चरित्रहीन इंसानों को भी जो उन्होंने बढ़िया बनाया, चरित्रहीन। फिर सर जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या? ये तो सब राजनीति स्टंट है, सब राजनीति स्टंट है, बुराई, जो नशा माफिया है, जैसे ड्रग माफिया है, ये मल रोकना चाहते हैं भी, ऐसी हमारी सारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो इसको रोका जाए, किस वजह से रोका जाए। एक्चुअली में गुरुजी किस तरह की शिक्षा देते हैं, किस तरह के समाज के लिए काम करते हैं? समाज की जितनी भी बुराइयां खत्म करना चाहते हैं गुरुजी, तो कोई भी बुराई है, बेशावर्ती है, कोई भी, जैसे कोई गरीब है, भूख मर रहा है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, बच्चों को खिलौने, किताबें, पढ़ाई के बारे में, मतलब गुरु की जगह कोई, मतलब बयान नहीं कर सकते इतना हमारे पास। गुरु जी का देखा हमने, 25 साल हो गए हमारे को, 26 साल हो गए जुड़े हुए, सारा परिवार जुड़ा हुआ हमारा। क्या आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? और समाज का बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार मन में सोचता हूँ, ये गवर्नमेंट कह रहे हैं नशा बंद करा देंगे, नशा बंद करा देंगे, गुरुजी को परमिशन दे देते ना पंजाब में, आज नशे का नाम निशान नहीं रहना था, जो आज बुरा हाल है पंजाब में। अब हरियाणा में बढ़ रहा है, गुरु जी के जाने के बाद हरियाणा में भी बहुत हालत खराब हो रही है। से क्या मांग करोगे गुरुजी के लिए? सरकार से तो ये मांग करते हैं, गुरुजी को फ्री किया जाए, ऐसे मतलब जो गलत किसी राजनीति या ड्रग माफिया ने दो मंडल पैसा खा के कोई करे है सारा, इसको फ्री करा जाए उनको, उनको बहुत जरूरत है समाज को सुधारने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोग लगातार आके बोल रहे हैं कि समाज को सख्त जरूरत है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की, लगातार है जो मांग है गुरु राम रहीम जी की समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से उन्होंने नशे के लिए काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया, और आज समाज में जो नशा बढ़ता जा रहा है और नशे के साथ साथ जो और कुरीतियां और बुराइयां लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए समाज में उनकी सख्त जरूरत है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, लगातार हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों की सीधी बात आपको दिखा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधी लोगों की बात आपको दिखा रहे हैं। लोग क्या कर बोल रहे हैं और आपने क्या सुना, खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।